डिनर टाइम हो गया है और आज हम आए हैं हवेली। मेरा काफी दिनों से मन था हवेली जाने का, मूर्थल वाला तो हम जा नहीं पा रहे थे, सब थक गए बहुत ज्यादा और बस अब डिनर करेंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत सुंदर डेकोरेट किया है एकदम यार, है ना? बिल्कुल बहुत सुंदर। ये देखिए कितना सुंदर सजाया है। इतना अच्छा सजाया था ना, एकदम से देसी वाइब्स आ रही थी यहाँ से। और इट्स अ मस्ट ट्राई इफ यू आर विजिटिंग अमृतसर। बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया है। मेरी एक्साइटमेंट ही खत्म नहीं हो रही है। अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर है, काफ़ी अच्छा हवेली है। मैं लिंक मिलेगा तो मैं डालूंगी, नहीं तो एड्रेस आपको मिल जाएगा। हमारा खाना आ गया, बटर चिकन है, ये मशरूम पनीर बटर मसाला है, ये मिक्स वेज मंगवाया हमने, ये पुलाव मंगवाया है, इनमें काफ़ी ज़्यादा बटर है, बटर रोटी है और बटर गार्लिक नान है। ओ वाह, ये घी है कि बटर है? ये घी है। ओ भाई साहब, बहुत सुंदर लग रहा है पर क्वांटिटी मुझे कम लग रही है। बस अब डिग इन करते हैं। मेरी थाली मैंने अपने डेकोरेट किया, रोटी वाओ, मैंने अचार भी ऐड कर दिया, सिरके वाली प्याज, मिर्च, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, दाल मखनी इनकी बेस्ट है और गार्लिक नान और मिक्स वेज पुलाव थी। ट्राई लास्ट में हमने लस्सी ऑर्डर करी है, मम्मी ही खा रही है क्योंकि सब फुल हो चुके हैं। क्या ये मलाई है? ये इतना ज्यादा थिक लस्सी है? ओ वाओ, थिक लस्सी, वाओ, हम नहीं खा सकते। कैसा है? ठंडा? मस्ट ट्राई, यम्मी। क्या हो रहा है यहाँ पे पापा? और हम अमृतसर पहुँच गए रात के 11 बजे गुरु की नगरी में ना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड अभी आपने जो वीडियो देखी है वो रात की वीडियो थी, हमने डिनर किया और हम रात में ही चंडीगढ़ से निकल गए थे। एंड हम हैं अमृतसर में क्योंकि पापा को बहुत दिनों से मन था और हमारा बहुत दिनों से प्लान बन रहा था आने का और एकदम मन में था पर प्लान बन ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, पर एट लास्ट हमने अपने प्लान बना लिया और हम अमृतसर में। ये रहा गेट, अभी हम अंदर जाएंगे, पता नहीं शूट करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पापा लोग शूज देखने गए हैं, उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। मम्मी को हाय बोल दीजिए। हाय मम्मी, एकदम ही पूजा उसमें लग रही है। मम्मी पापा को पता नहीं था कि हम लोग अमृतसर जा रहे हैं, चंडीगढ़ का तो पता था पर अमृतसर का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तुम लोगों को पता था कि हम लोग अमृतसर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। तो क्या लग रहा था तुम लोगों को? हमें लग रहा था ऐसे कहीं घूमने ऐसे कहीं। हम लोगों का जिम कॉर्बेट का भी और पहाड़ों का भी प्लान हो रहा था ना, नैनीताल वगैरह का, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत मतलब एक डेढ़ साल से तो प्लान कर ही रहे थे, 19 से प्लान कर रहे थे, फिर कोरोना आ गया तो 2 साल नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ ना कुछ वही है, जब बुलावा आता है तभी जाया जाता है। हाँ सही में। और अभी अंदर जाके एकदम देखते हैं। और हमने आज हम लंगर भी खाने वाले हैं तो वो भी आपको बताएंगे कि लंगर कैसा है यहाँ का। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं पहली बार खा रही हूँ लंगर। चलते हैं, आ जाएंगे ये लोग, इन लोगों से भी मिलवाती हूँ मैं आपको। सो ये हमारे होटल की वीडियो ली थी मैंने, तो मैंने सोचा यहाँ पे अटैच कर देते हैं। रॉयल हेरिटेज होटल था एंड वहाँ से सिर्फ 15 या 20 मिनट का था गोल्डन टेम्पल का रूट। एंड हमने वहाँ से टुक टुक ली थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। एंड उन्होंने 20 रुपीज़ पर सवारी लिया था हमें गोल्डन टेम्पल छोड़ने के लिए। एंड वो वहाँ पर छोड़ देते हैं गोल्डन टेम्पल पर, एंड वहाँ से आपको थोड़ी देर 15 मिनट वॉक करके अंदर जाना रहता है। और ये रहा मेन एंट्रेंस इसका, दिस इज़ सो डिवाइन। उसके बाद हमने अपने जूते जमा कर दिए थे यहाँ पे। Thank you.
यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि वहाँ पे अरदास चल रही थी, तो मुझे लगा कि कॉपीराइट इशू आ जाएगा, बट ये रहा गोल्डन टेम्पल और ये एकदम ही वर्थ इट था हमारा विज़िट जो था, हमने प्लान किया था। थैंक गॉड कि हमने प्लान किया और मैनिफेस्ट किया। हम बहुत सालों से प्लान कर रहे थे पर कुछ ना कुछ लगा रहा था, फिर कोरोना आ गया तो हम प्लान नहीं कर पा रहे थे, बट इट इज़ वर्थ इट। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग प्लीज़ आइए यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आइए, एंड इट इज़ सो पीसफुल। एंड थैंक गॉड कि मैं फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पे, और इट्स अ लाइक इट्स अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो। सेकेंड मेन चीज़ थी हमारी लंगर, तो हम दर्शन करते ही लंगर हॉल में चले गए थे। एंड यहाँ पे एशिया का या इंडिया का सबसे बड़ा लंगर फैसिलिटी है, तो हम उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थे। बोला जाता है कि लंगर खाना बहुत नसीब वाली बात है, और हम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं कि हमारे नसीब में ये खाना है और ये जगह है हमारे नसीब में। इतनी अच्छी दर्शन के बाद, इतना अच्छा खाना खाने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते थे, तो जो कि था जलियांवाला बाग। एंड खाना खाने के बाद सीधा हम जलियांवाला बाग गए थे, वो उधर ही गोल्डन टेम्पल के 100 and 150 meters के पास ही है ये जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो मेन कुआं है यहाँ पे, जो लोग उस टाइम पे कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, ये वो कुआं है। एंड उसके आगे हमने देखा था ये यहाँ पे बुलेट मार्क्स थे जो उस समय चली थी। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा जलियांवाला बाग एंड गोल्डन टेंपल में, और हमने सोचा कि आज का दिन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। डे वन एट अमृतसर कंप्लीटेड, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, और उससे पहले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। बाय।